हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक एंड यू आर वाचिंग द नर्सिंग माइंडसेट। होप ऑल यू आर वेल। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो आज का मेरा टॉपिक है उसका नाम है डीएनए रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स, माइटोसिस, मियोसिस, ओजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। सब्जेक्ट इज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज डीएनए। डीएनए इज लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए एक लॉन्ग पॉलीमर है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का। द लेंथ ऑफ डीएनए यूजली डिफाइन एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन इट। डीएनए की लेंथ उससे पता की जा सकती है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। अब बैक्टीरियोफेज लंबा 174 हैज 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। बैक्टीरियोफेज लंबा हैज 48503 बेस पेयर एसिडिफाइसेडा। कोलाई हैज 4.6 × 10⁶ बीपी। एंड हैप्लोइड्स कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए इज 3.3 × 10⁹ बीपी। डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। बोथ आइडेंटिफाई फ्रेंचर मिक्सचर इन 1869 और सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था फ्रेंड्रिच मिशर के द्वारा इन 1869। ही नेम्ड इट एज अ न्यूक्लियन। इसके साइलेंट फीचर क्या है? इट इज मेड अप ऑफ टू पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन्स। ये दो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है। वेयर द बैकबोन इज कंस्टिट्यूटेड बाई शुगर फॉस्फेट। जो इसकी बैकबोन है वो शुगर फॉस्फेट के द्वारा बनी होती है। द बेस प्रोजेक्ट इन साइड द टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। जो दोनों चेन्स के पास एंटी पोलैरिटी है। इट मीन वन चेन हैज पोलैरिटी 5:3। इसका मतलब है कि एक चेन के पास पोलैरिटी है 5:3 और अदर के पास है 3:5। बेस इन टू स्टैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। द बेस इन टू स्टैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। जो दोनों स्टैंड्स के बीच में जो बेस है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से बना होता है। बेस पेयर एडेनिन फॉर्म टू हाइड्रोजन बॉन्ड। जो एडेनिन है वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। थायमिन एंड अपोजिट स्टैंड वाइस वर्सा। टू चेन्स आर कोइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन। दो चेन है जो कोइल्ड होती है वह राइट हैंडेड फैशन के अंदर। द प्लेन ऑफ वन बेस स्ट्रैंड ओवर द अदर इज डबल हेलिक्स। एक प्लेन के ऊपर दूसरे प्लेन के ऊपर उसे डबल हेलिक्स स्ट्रैंड बोलते हैं। नेक्स्ट इज द जेनेटिक इज अ डीएनए मटीरियल। मटीरियल इज डीएनए। द जेनेटिक मटीरियल इज डीएनए। द अन यूवोकल प्रूव डेट डी एन ए जेनेटिक मटीरियल कम फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फर्ड हर्शरी मिस्टर चॉइस। जो प्रूफ है डी एन ए एक जेनेटिक मटीरियल है ये आता है अल्फर्ड हर्शी एंड मार्था चेस के एक्सपेरिमेंट से। दे वर्क विद वायरस। उन्होंने वायरस के साथ वर्क किया। इन्फेक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। उन्होंने इन्फेक्टेड बैक्टीरिया बैक्टीरियोफेज के साथ वर्क किया। बैक्टीरियोफेज अटैच टू द बैक्टीरिया इट्स जेनेटिक मटीरियल देन एंटर द बैक्टीरियल सेल। जो बैक्टीरियोफेज था वो अटैच हुआ बैक्टीरिया के साथ एंड जेनेटिक मटीरियल देन एंटर द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के अंदर चला गया। द बैक्टीरियल सेल ट्रीट द वायरल जेनेटिक। जो बैक्टीरियल सेल था उसने ट्रीट कर दिया वायरल जेनेटिक्स को। मटीरियल एज इफ इट वॉज इट्स ओन एंड सब्सिक्वेंट मैन्युफैक्चरर्स मोर वायरस आर्टिकल। हर्शी एंड चेस वर्क टू डिस्कवर वेदर इट वॉज प्रोटीन और डी एन ए। हर्शी चेस्ट एंड चेस ने इसके ऊपर वर्क किया कि वो एक या प्रोटीन है या डी एन ए है फ्रॉम द वायरस डेट एंटर द बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया के अंदर चला गया था वो प्रोटीन है या डी एन ए है। प्रॉपर्टीज इट शुड बी एबल टू जनरेट इज रेप्लिका। उसकी यह विशेषता होती है कि वो अपने आप को रेप्लीकेट कर सकता है। शुड हैव केमिकली एंड स्ट्रक्चरली बैलेंस होना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड स्केप फॉर स्लो चार्जेस डैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवेल्युएशन। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ मेलिंडियन करेक्टर्स।